हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको चार टक वाले ब्लाउज़ की कटिंग के साथ साथ इसकी पूरी स्टिचिंग बताऊंगी। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा जो है अस्तर। आपका जो भी लेंथ हो आप उससे हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लें। और यहाँ मैं बोटनेक ब्लाउज़ बना रही हूँ, तो बोटनेक के लिए मैंने शोल्डर यहाँ पर 8 इंच लिया है। आपका जो भी शोल्डर हो आप उससे 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा ले ले। और आर्म होल मैंने यहाँ पर 7 इंच ली है, जो कि हमेशा मैं चेस्ट के अकॉर्डिंग ही लेती हूँ। चेस्ट हमारा 40 इंच है, तो मैंने यहाँ पर 11 और प्लस 1 इंच लिया है। तो जब भी हम चार टक वाले ब्लाउज़ बनाएंगे तो 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे चेस्ट में, और फिर आर्म होल में गोल शेप दे देनी है। तो फ्रेंड्स, आप इस बात को बिल्कुल मत भूलिएगा कि चेस्ट में हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। और बोटनेक नेक के लिए मैंने यहाँ पर 4 इंच चौड़ा और इसका डीप 3.5 इंच लेकर कुछ इस तरह का शेप दे दिया है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा प्लीट। तो देखिए, जो भी आपका नीचे का हिस्सा उसका हाफ हमें लेना है। लेंथ मैंने यहाँ पर 4.5 पे देखिए एक पॉइंट किया है और कुछ इस तरह से इसको मिला लेना है। ये प्लीट हमें 1 इंच चौड़ी के लगभग देनी है। फिर इधर से मैंने 3.5 इंच लिया है और आर्म होल के तरफ से भी मैंने 3 इंच के लगभग लिया है। हर एक जो प्लीट से उसमें कम से कम हमें 2 इंच का गैप होना चाहिए। आप चेक कर लीजिएगा, 1.5 से 2 इंच का गैप होना चाहिए। और इस तरह से चार कोनों से हमें 4 प्लीट्स बना लेनी है। देखिए, मैं यहाँ पर एक सर्कल बना के दिखाती हूँ। इस तरह के आप लोग एक बार सर्कल बना के भी चेक कर लीजिएगा, ताकि आपकी प्लीट्स एकदम परफेक्ट आए। अब जो है फ्रेंड्स, इसमें कौन सा प्लीट की जो है सिलाई हम कितनी लगाएंगे, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो देखिए, जैसा हमारा हम लोगों ने ड्रॉ किया है सेम वैसे इसको कट कर लेना है। नेक के को भी जो है कुछ इस तरह से हम लोग कट कर लेंगे। अब देखिए, ये जो है चौक का निशान हमें दूसरे साइड में भी अच्छे से लगा लेना है। तो मैं इसके ऊपर रख कर ही इसको इस तरह से निशान लगा लूँगी। और दोनों प्लीट जो है अपने सेम जगहों पे होनी चाहिए। ये बैक ओपन ब्लाउज़ है फ्रेंड्स, इसलिए मैंने यहाँ इसका फ्रंट जो है कट नहीं किया है। अब हम जहाँ पर हमें लोगों ने प्लीट्स बनानी है वहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट कर लेंगे, कट कर लेंगे, ताकि हमें पता चले कि दोनों प्लीट एक ही जगह से हो रही है। देख सकते हैं दोनों तरफ निशान बन चुकी है। और अब हम लोग इसका मेन फैब्रिक भी कट कर लेंगे। सेम इसी मेजरमेंट से हमें मेन फैब्रिक को कट कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स, मैं आपको इसकी स्टिचिंग दिखाती हूँ। तो ऐसे ब्लाउज़ की स्टिचिंग करना बहुत आसान होता है। आप इजीली जो है इसको हर एक साइज़ पे बना सकते हैं। और आप इसी मेजरमेंट को फॉलो कीजिएगा तो आप लोग हर एक छोटे से बड़े साइज़ पे इसको इजीली बना पाएंगे। अब देखिए, मैंने मेन फैब्रिक ले लिया है इसका सीधा तरफ, फिर अस्तर का देखिए उल्टा तरफ लेके एकदम नीचे वाले साइड से हमें सिलाई लगानी है। नीचे मैं 1/2 इंच की सिलाई लगाते जा रही हूँ। अगर आप इस तरह से सिलाई करेंगे तो आपके नीचे की फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी और एक्स्ट्रा पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैंने अस्तर को सीधा करके इसके ऊपर एक सिलाई लगा ली है। अब अस्तर को अंदर की तरफ रख लेंगे और चारों साइड से इस कपड़े को मेन फैब्रिक के साथ सिलाई लगा लेंगे। अगर आप बिना अस्तर वाला भी बना रहे हैं तो सेम इसी प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा। और
वहाँ आपको कपड़े के साथ अस्तर को अटैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप डायरेक्ट प्लीट को बना सकते हैं। तो इसमें जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम लोग कट करके निकाल लेंगे। अब देखिए, हमें एक एक करके प्लीट्स बनानी है, तो नीचे वाला जो प्लीट्स है वो हमें 1 इंच की चौड़ाई पर ही इसको करना है, यानी 1/2 इंच पे हमें सिलाई लगानी है। प्लीट्स हमेशा हम ऊपर की तरफ पतला और नीचे की तरफ चौड़ा बनाएंगे। अब दूसरा जो है ये वाला प्लीट, साइड की जो प्लीट है वो बहुत पतली होती है, 1/2 इंच के से भी कम जो हम लोग कपड़ा इसमें लेंगे। और मैंने चेस्ट में 1 इंच एक्स्ट्रा इस प्लीट को बनाने के लिए ही लिया था, क्योंकि जब भी हम प्लीट बनाएंगे तो जो हमारा कपड़ा है वो कम हो जाएगा। अब ये आर्म होल वाले साइड की प्लीट भी हमें एकदम पतली बनानी है। बस आपको याद रखना है कि 2 प्लीट हम पतली बनाएंगे और 2 प्लीट हमें चौड़ी बनानी है। तो आर्म होल और साइड वाला प्लीट एकदम पतला, और ये वाला देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई कट नहीं है, तो हम एकदम इस कोने से उस कोने तक सिलाई लगा लेंगे। ये वाली प्लीट भी हमारी चौड़ी होगी, यानी 1/2 इंच की सिलाई लगाएंगे हम लोग। इसी तरह में देखिए, एक साइड का हमारा चारों प्लीट कंप्लीट है, मैं दूसरे साइड का भी जो है प्लीट कंप्लीट कर लूँगी। तो यहाँ देखिए, दोनों तरफ की प्लीट्स मैंने बना ली है। अब हम इसके नेक की फिनिशिंग करेंगे। तो नेक हमारा बोट नेक है, इसलिए मैंने एक राउंड पट्टी कट की है। अब इसको सीधी तरफ हम बैठा लेंगे। अगर आप पाइपिंग देखना चाहते हैं तो उसकी भी बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अब नेक में मैंने छोटे छोटे कट लगा लिए हैं, और पट्टी को अब हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसको स्टिच कर लेंगे। इससे हमारी पट्टी की फिनिशिंग आ जाएगी। आप चाहे तो इसमें तुरपाई भी कर सकते हैं। और बस नेक की फिनिशिंग आने के बाद हमारा बोट नेक प्लीटेड ब्लाउज बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये सबसे सिंपल और आसान तरीका था। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर इससे भी कोई आसान तरीका है तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं उसके लिए भी जो है एक वीडियो बना दूँगी। तो ये रहा फ्रेंड्स का फाइनल लुक, देखिए 4 प्लीट के साथ ये कितना सुंदर रेडी हो चुका है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा इसी तरह के नए नए वीडियोस देखने के लिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।